हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे जेई से रिलेटेड अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छी अपडेट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा खुश होने की यहाँ पे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है, बट यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्यों ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देख सकते हो, मात्र 10 दिन बाद यहाँ पे रिजल्ट आने की बात कही गई है। आज यहाँ पे 5 हो गया और फिर आपका यानी कि 10 दिन बाद आपका यानी कि 15 तक रिजल्ट आने की बात कही गई है। लेकिन इस तरीके से न्यूज़ कई बार निकल के आ गई है। और यहाँ पे बात करें तो जागरण की भी बात कर ले तो वो भी इसी माह में रिजल्ट आने की बात कही है। यहाँ पे प्रभात खबर भी बात कही रही है, यानी कि रिजल्ट अब जो है कि सुगबुगाहट है, लेकिन जब तक फाइनल डिक्लेयर रिजल्ट ना हो जाए तब तक यहाँ पे कुछ भी कहना ज़्यादा जल्दीबाजी होगी। और जब तक यहाँ पे आयोग, क्योंकि आयोग की ओर से कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं है, ये अपना से जो भी आता है, अखबार वाले आजकल बहुत ही चतुर निकल गए हैं। और यहाँ पे कोई भी आयोग की जो अध्यक्ष है उनकी ओर से कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं है देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो अपडेट है, और अपडेट यही है कि अच्छी अपडेट निकल के आई है, जो भी हो, जैसा भी जिस भी माध्यम से सोर्स से इनको जो पता चला हो। लेकिन आइए एक एक करके जो भी है एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 15 जुलाई तक यहाँ पे सिविल की रिजल्ट आने की बात की गई है, और उसके 4 से 5 दिन के भीतर इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की भी रिजल्ट आने की बात की गई है। यह भी संभव है कि जेई सिविल के साथ ही जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी रिजल्ट निकल जाए। अब देखिए, सारे लोग संभावनाएं ही व्यक्त कर रहे हैं, अखबार वाले इनको तो पता करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये लोग संभावनाएं ही बताए जा रहे हैं कि सारे आपके अपडेट हैं। तो ज़्यादा अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और देखिए, और ज़्यादा प्रेशर बनाकर रिजल्ट को निकलवाया जा सकता है, मेल वगैरह ट्विटर वगैरह करके अभी रिजल्ट को निकलवाया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि इसे अंतिम बार मिलाने का चयन किया जा रहा है। ये तो बहुत दिन से चयन हो रहा है और बहुत दिन से रिजल्ट ही निकल रहा है, ये सारे अपडेट तो कई बार यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के विभागों का आवंटन भी किया जा रहा है। लगभग एक दर्जन विभागों के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का यहाँ पे लिया था, जिसमें 17,000 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। इसका परिणाम पिछले महीने आने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण यहाँ पे देरी हुई। देखिए, अपडेट तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे अब पूरी सटीक भी अपडेट नहीं है, या बिल्कुल संभावनाएं यहाँ पे बता रहे हैं। कहीं भी अध्यक्ष की ओर से या जो सचिव की ओर से कोई भी यहाँ पे लिखा नहीं गया कि अपडेट कब तक यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन जो भी अपडेट है, यदि ये सही निकला तो आप सभी के लिए इतना अच्छी खबर हो सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन जो भी अपडेट होगा अध्यक्ष की ओर से, सचिव की ओर से, जो सटीक न्यूज निकल के आती है, हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको संतोषजनक ये न्यूज होगा, लेकिन मेरे लिए संतोषजनक तो न्यूज है नहीं। खैर, जो भी अपडेट है आपके लिए अच्छी है। और जो भी रिजल्ट की बात करें तो 15 तक यहाँ पे बताया गया है, अब देखिए क्या होता है। क्योंकि आयोग की ओर से तो अभी कोई भी निर्णय नहीं है, और जैसे ही आयोग की ओर से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।